हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे जो सबसे हमारा मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा बीएससी पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बीएससी लिमिटेड फॉर्मली नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड वाज इस्टैब्लिश इन 19 सॉरी 1875 तो 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बी को एंड वॉज एशियंस फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज तो ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था इट वॉज ग्रांटेड परमानेंट रिकोगोगनाइजेशन अंडर द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 तो so, इसको जो परमानेंट uh, रिकोगनाइजेशन मिला था वो मिला था 1956 फिफ्टी सिक्स में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग कैपिटल तो बी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है कॉर्पोरेट सेक्टर्स को फ़ंड रेज़ करने के लिए मार्केट से क्योंकि तो लोग बी के थ्रू ही आ, जो छोटे इन्वेस्टर्स हुआ करते थे वो पैसे इन्वेस्ट करते थे स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ से वो पैसे वो ट्रांसफ़र करते थे हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जो कि अपने कंपनीज में उस पैसे को इन्वेस्ट करती थी और उसको लगाती थी नेक्स्ट आते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज बी एस सीमि बी एस सी लिमिटेड बट वॉज इस्टैब्लिस एज़ अ द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन एटीन सेवनटी फाइव अभी इसको हम बी एस सी लिमिटेड कहते हैं लेकिन जब एटीन सेवनटी फाइव में इसको इस्टब्लिश किया गया था तो इसका नाम नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन था इवन बिफोर द एक्चुअल लेजिसलेशन वॉज इनएक्टेड बी एस सी लिमिटेड ऑलरेडी हेज़ रूल्स हैज़ अ सेट अ रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंश्योर एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ़ द सिक्योरिटीज मार्क तो जब ये रूल्स uh, रेगुलेशन मतलब जब जब तक इसको लीगलाइज तरीके से मतलब एक तरीके से रिकोगनाइज नहीं किया गया था सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू तो उसके पहले भी इसके अपने खुद के अच्छे रूल्स रेगुलेशन थे जिसके वजह से ये काफ़ी ग्रो कर रहा था मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी रूल्स रेगुलेशंस को ये बना के रखे थे जिसके वजह से इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा भरोसा इनके ऊपर था एज़ डिस्कस अर्लियर अ स्टॉक एक्सचेंज कैन बी सेट अप एज अ कॉरपोरेट एंटिटी विथ डिफरेंट इंडिविजुअल एज अ मेम्बर ऑफ द शेयर होल्डर्स तो अब स्टॉक एक्सचेंज सेट करने के लिए मतलब एक अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज सेट कर रहा है तो वो एज अ कॉरपोरेट एंटिटी होता है ठीक है एक कंपनी जैसा होता है जो कि अपने मेंबर्स जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके थ्रू ये इस्टेब्लिश किया जाता है बी एस सी इज़ वन ऑफ द सच एक्सचेंज सेटअप एज अ कॉरपोरेट एंटिटी विद द बोर्ड शेयर होल्डर बेस तो बी को भी इसी तरीके से सेम तरीके से बनाया गया था इसके मेंबर्स इसके जो शेयर होल्डर्स थे उसने इनको आ, मतलब उन्होंने डिज़ाइन किया बी को और एक कॉरपोरेट एंटिटी की तरह बी हमारे सामने आया इट हैज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव तो बी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे अब उसको देखते हैं टू प्रोवाइड एन एफिशियट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फ़ंड तो बी एस सी आपको हेल्प करता है कि एक ट्रांसपेरेंट मार्केट बना के रखा जाए जिसमें आप ट्रेड कर सको क्या क्या ट्रेड कर सको इक्विटी मतलब शेयर्स को ट्रेड्स कर सको डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरीवेटिवस और म्यूचुअल फंड्स तो ये सारे जो सिक्योरिटीज़ हैं आप अपने स्टॉक एक्सचेंज मतलब बी एस सी के थ्रू ये सब चीज़ें ट्रेड कर सकते हो टू प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटीज़ ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज तो जो छोटे बड़े इंटरप्राइज होते थे उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर उनके शेयर्स की ट्रेडिंग हो सके बाकी लोग भी उसको ख़रीद सकें बेच सकें ये बी एस सी ने प्रोवाइड किया टू इंश्योर एक्टिव ट्रेडिंग एंड सेफ गार्ड मार्केट इंटीग्रिटी थ्रू एंड इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवेन एक्सचेंज तो यहाँ पर क्या है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज दिया गया बीएससी के थ्रू और एक सेफ तरीके से ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म भी बीएससी ने प्रोवाइड किया जनरल पब्लिक को टू प्रोवाइड ओवर टू टू प्रोवाइड आउट सर्विस टू द कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक रिस्क मैनेजमेंट क्लीनिंग सेटलमेंट मेक मार्केट डेटा एंड एजुकेशन तो बी ने एक तरीके से कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट दो लोग शेयर को खरीदना चाहते थे सिक्योरिटीज को ख़रीदना चाहते थे उनके लिए एक मार्केट जगह इस्टेबलिश तो की ही लेकिन उसके साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड की उनको समझाया भी क्या होता है रिक्स मैनेजमेंट क्या होता है क्लियरिंग सेटलमेंट मार्केट डेटा और उनको एजुकेट किया इस पर्टिकुलर नॉलेज से टू कन्फ टू कन्फर्म एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो बी ने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी इस्टेब्लिश किया ताकि आ, हम थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ हो जाएं अपने शेयर्स को अपने सिक्योरिटीज को लेके। बिसाइड हैविंग नेशनल वाइड प्रेजेंस बी हैज़ अ ग्लोबल रीच विद द कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड इट हैज़ स्टिम्युलेटेड इनोवेशन एंड कंपिटिशन अक्रॉस ऑल द मार्केट सेगमेंट तो बी केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड है आप कहीं से भी इसमें शेयर्स ख़रीद और बिक्री कर सकते हो सिक्योरिटीज़ का खरीद बिक्री कर सकते हो बहुत अच्छा वर्क किया है बी एस सी ने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के आ, फील्ड में इट हैज़ एस्टेब्लिश अ कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूट कॉल्ड बी एस सी इंस्टीट्यूट लिमिटेड विच प्रोवाइड एन एजुकेशन ऑन द फाइनेंशियल मार्केट एंड व वोकेशनल ट्रेनिंग टू द नंबर ऑफ पीपल सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट विद द्रोकर तो बी एस सी ने केवल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब शेयर खरीद बिकने बिक्री करने का काम तो किया ही किया है लेकिन उसके साथ साथ इसने एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया है जिसको हम लोग बोलते हैं बी एस सी इंस्टीट्यूट लिमिटेड जिसके थ्रू आप वहाँ पर जा कर पढ़ सकते हो एजुकेट हो सकते हो और एक ब्रोकर बन सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको इस शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना है और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए हैं बी ने द एक्सचेंज हैज़ अबाउट फाइव थाउजेंड कंपनीज लिस्टेड एंड ऑल ओवर द कंट्री एंड आउटसाइड एंड हैज़ अ लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया तो पाँच हज़ार से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि बी एस सी में लिस्टेड हैं और ये कंट्री में भी हैं और कंट्री के बाहर की भी कंपनीज़ हो सकती हैं और इनका बहुत बड़ा बी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत सारे मेंबर्स हैं बी के जो बी के थ्रू शेयर ख़रीदते और बेचते हैं अब आते हैं सब कॉमन स्टॉक मार्केट टर्म्स के बारे में बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए यू वुड हैव ऑफ्ट कम अक्रॉस द फॉलोइंग टर्म्स इन द मैगजीन और द न्यूज़पेपर। पेपर

बुलिश फेस रिफर्स टू द पीरियड ऑफ ऑप्टिमम ऑप्टिम्स एंड द बीयरस फेस इज द पीरियड ऑफ प्रिसम्स ऑन द ब्रोस मतलब क्या हुआ जो बुलिश टर्म होता है वहाँ पे हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उस कंडीशन पे वेट करते हैं कि कब हमारा शेयर का दाम बढ़ेगा और वो बेचेंगे और बीयरिस टर्म में क्या होता है यहाँ पे हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि शेयर्स कब नीचे आएगा कब प्राइस उसका कम होगा तो उसको हम खरीदेंगे तो बुलिस टर्म शेयर को हाई प्राइस पे बेचने का सोचते हैं और बियरिस टर्म जो होता है वो हमारे शेयर्स को ख़रीदने का होता है जब शेयर हमारा कम होता है तो ये होता है बियरिस और बुलिस ये एक तरीके का मार्केट सेगमेंट से, से, सेंटिमेंट है जब मार्केट में मार्केट तेज होता है तो उस समय बी सेंटिमेंट कहते हैं और जब मार्केट धीमा होता है मतलब रेट जब डाउन होते हैं तो उसको बी सेंटिमेंट कहते हैं अब आते हैं बदला दट दिस रिफर्स टू कैरी फॉरवर्ड सिस्टम ऑफ सेटलमेंट पर्टिकुलरली एट द बी एस सी इट इज़ अ फैसिलिटी डेट अलाउ द पोस्टपोन्ड ऑफ द डिलीवरी और द पेमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर तो यहाँ पे क्या होता है जो आपके टाइम लगता है जो आपका बी में जो आप एक ट्रांजेक्शन है दूसरा ट्रांजेक्शन के बीच का उस पर्टिकुलर टाइम उस पर्टिकुलर शेयर्स को पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में तो उसको हम बदला कहते हैं आउट लॉक आउट लॉट ट्रेडिंग ट्रेडिंग इन द मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड स्टॉक और लेस मतलब अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो हंड्रेड uh, के मल्टीपल में और या फिर उससे कम में तो उसको हम लोग आउट लॉट ट्रेडिंग कहते हैं अब आते हैं पेनी स्टॉक दीज आर द सिक्योरिटीज दैट हैव नो वैल्यू ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बट हुज़ ट्रेडिंग कंट्रीब्यूट टू स्पेकुलेशन तो पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है एक ऐसे शेयर्स जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है और उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बचा होता है स्टॉक एक्सचेंज में लेकिन फिर भी उन पर ट्रेडिंग्स होती रहती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में कौन कौन से स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं जो वर्ल्ड वाइड आपको दिखेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज़ द बैरोमीटर ऑफ द मार्केट बिहेवियर इट मेज़र ओवरऑल मार्केट्स सेंटीमेंट थ्रू अ सेट थ्रू सेट ऑफ स्टॉक्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्केट इट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट डायरेक्शन एंड इंडिकेस डे टू डे फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक प्राइस एंड एंड आइडियल इंडेक्स मस्ट रिप्रेजेंट द चेंज इन द प्राइज ऑफ द सिक्योरिटीज एंड रिफ्लेक्ट द प्राइज मूवमेंट ऑफ द टिफिकल्ट शेयर्स और द बेटर मार्केट रिप्रेजेंटेशन तो स्टॉक इंडेक्स uh, होता क्या है स्टॉक मार्केट इंडेक्स ये एक तरीके का इंडेक्स होता है जो कि हमको रिप्रेजेंट करता है सेंटीमेंट मार्केट का सेंटिमेंट कैसा चल रहा है मतलब लोग कभी शेयर खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं तो ओवरऑल सेंटीमेंट को दिखाता है आपका इंडेक्स तो अलग अलग इंडेक्स हैं अलग अलग कंट्रीज में जो कि उनके पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के सेंटिमेंट को दिखाते हैं कि ज़्यादा लोग ज़्यादातर लोग खरीदना चाह रहे हैं शेयर या फिर बेचना चाह रहे हैं तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है हमारा स्टॉक मार्केट इंडेक्स तो इंडियन मार्केट में जो हमारे स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं जो कि हैं बी सेंसेक्स एंड एन एस सी निफ्टी आर द इम्पॉर्टेंट सब ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडिस आर तो कौन कौन से इंडेक्स हैं जो हमारे इंडिया में हैं वो बी एस सी है सेंसेक्स uh, हैं और निफ्टी में और सॉरी एन एस सी में आपका निफ्टी है मतलब बी एस सी के अगर आपको सेंटिमेंट को देखना है तो आप सेंसेक्स देख सकते हैं और अगर आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एन एस सी के सेंटिमेंट टू देखना है तो आप निफ्टी देख सकते हैं अब आइए बात करते हैं और अलग अलग स्टॉक मार्केट का जो अलग अलग कंट्रीज़ में है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इज़ एमंग ओल्डेस्ट कोटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन यू तो यू में अगर आपको पता करना है कि वहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है उस पर्टिकुलर दिन में तो आप डाउ जोन्स को देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एवरेज को आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि ये पूरा इंडेक्स है यूएस के सारे शेयर्स का इंडेक्स जो दिखाता है उसके बाद नेस्डैक कंपोजिड इंडेक्स इज द मार्केट कैपिटाइजेशन वेटेज ऑफ द प्राइस फॉर द स्टॉक लिस्टेड इन द नेस्डैक स्टॉक मार्केट तो नेस्डैक भी एक स्टॉक मार्केट है जो कि दिखाता है कि किस तरीके से हमारे मार्केट uh, का सेगमेंट चल रहा है सेंटिमेंट चल रहा है लोग शेयर खरीदना चाह रहे हैं या फिर बेचना चाह रहे हैं एस एंड पी फाइव हंड्रेड इंडेक्स इज मेड अप ऑफ द फाइव हंड्रेड बिगेस्ट पब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ इन द यू एस एंड एस एन पी फाइव हंड्रेड इज ऑफ्टन ट्रीटेड एट द प्रोक्सी फॉर द यू एस मार्केट तो यू एस मार्केट को चेक करने के लिए हमारे पास एक और इंडेक्स है जिसको हम एस एंड पी इंडक्स कहते हैं जिसमें फाइव हंड्रेड शेयर्स को मिला के बनाया गया है उनके प्राइजेस को मिला के बनाया गया है तो आप यू एस मार्केट के बारे में एस एंड पी फाइव हंड्रेड के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि मार्केट uh, का सेंटिमेंट कैसा चल रहा है लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर लोग पैसा निकाल रहे हैं एफ टी एस हंड्रेड कंसिस्ट ऑफ द लार्जर हंड्रेड कंपनीज बाय फुल मार्केट वैल्यू लिस्टेड ऑन द लंडन स्टॉक एक्सचेंज द एफ टी एस हंड्रेड इज़ द बेंचमार्क इंडेक्स इन द यूरोपियन मार्केट तो यूरोपियन मार्केट में लंडन में एफ टी एस सी हंड्रेड है जो कि दिखाता है हमारे लंदन के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं तो सारे सेंटिमेंट्स जो होते हैं आप इंडेक्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर्स का आ, मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो सारा कुछ आप इन पर्टिकुलर इंडेक्स से अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग इंडेक्स होते हैं उसको आप देख के पता कर सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स